नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका TV24 छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ से एक बहुत बड़ी खबर है वो निकल करके सामने आ रही है। आप सबको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने एक बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि प्रदेश की भाजपा सरकार गरीब परिवारों को नए साल से यानी कि जनवरी 2024 से 5 सालों तक मुफ्त में चावल देगी। जी हाँ, इन 5 सालों के दौरान गरीबों को मुफ्त चावल राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। आप सब बता दें कि विष्णुदेव सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ में भी गरीब परिवारों को अगले 5 साल तक निःशुल्क चावल देने का निर्णय लिया है और इसके चलते उचित मूल्य की दुकानों से गरीब परिवारों को जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक चावल है वो फ्री में मिलेगा। तो जी हाँ, नए साल से इस योजना की शुरुआत है वो राज्य सरकार करने जा रही है और ऐसे में आप सबके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, तो ये जो फ्री चावल मिलेगा वो किन राशन कार्ड धारियों को मिलेगा और किन राशन कार्ड धारियों को नहीं मिलेगा, तो इस विषय पर भी बात करेंगे। उससे पहले आप सबको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए हैं और इस फैसले से प्रदेश के 67,92,153 पात्र राशन कार्ड धारियों को शासकीय उचित मूल्य के दुकानों के माध्यम से निःशुल्क चावल है वो मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं कि किन राशन कार्ड धारियों को निःशुल्क चावल है वो प्रदान किया जाएगा। आप सबको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्ड है उनको आगामी पाँच वर्ष के लिए जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक मासिक पात्रता का चावल है वो निश्चित ऋण है वो किया जाएगा। इसके अलावा निःशक्त जन और एकल निराश्रित श्रेणी के राशन कार्डधारियों को भी आगामी 5 वर्ष निःशुल्क चावल वितरण कराने के निर्देश राज्य सरकार ने दिए हैं। तो जी हाँ, कुछ इस प्रकार से जो राशन कार्डधारी हैं उनको निःशुल्क चावल है वो उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि चावल के मात्रा को लेकर के कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है कि कितने किलो की दर से हितग्राहियों को चावल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस दर से पहले हितग्राहियों को चावल मिलता था उसी दर से चावल है वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस विषय पर आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करके बताइए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही खबरें आप सबके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।